तरीके की जो तकरीर है इतनी लंबी हो सकती जो हम ट्रेनिंग करते 33 दिन तक ट्रेनिंग करते हैं और हर रोज तकरीबन 10 से 12 घंटे वो पूरा प्रोग्राम मेरा 350 आवर्स रिकॉर्डिंग है 350 घंटे 350 घंटे रिकॉर्डिंग और गाइड के साथ 650 घंटे मौजूद है अलीदा पे पूरा एडिटिंग होने चाहिए एडिटिंग बाकी है तो तकरीर इतनी लंबी है कि खत्म ही नहीं हो सकती करते ही जा सकते हैं। मेरे बेटे ने पूछा अब्बा आज की तकरीर के लिए तैयार है क्या क्या बात करेंगे मैं सोच रहा हूँ क्या नहीं बात करूंगा सोचने पड़ता है वक्त की किल्लत होने की वजह से तकरीबन 2 घंटे होने आ रहे 5 मिनट बाकी है मैं आखिरी चीज कहूंगा जब दावती मैदान में हम ट्रेनिंग करते दावा ट्रेनिंग प्रोग्राम और दावा ट्रेनिंग में हम ट्रेनिंग करते किस तरीके से एक इंसान को महारत पाना चाहिए हर फन में अलग महारत है और सबसे बेहतरीन दावा 1-to-1 दावा सबसे बेहतर है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ रिजल्ट अब 1-to-1 करेंगे जिस तरीके से अल्लाह के रसूल करते थे खुलफा राशिदीन के सहाबा बेस्ट इज 1-to-1 लेकिन 1-to-1 में एक आदमी रिजल्ट बेस्ट है मिसाल के तौर पे और एक आदमी को मुसलमान बनाना 10 मिनट 20 मिनट में ये मुमकिन नहीं एक आध बार ठीक है अल्लाह चाहे तो हो सकता है लेकिन लोग बोलते 10 मिनट में किस तरीके से गैर मुस्लिम को मुस्लिम बनाना मैं बोलता हूँ मैं पहले आपका स्टूडेंट बनूंगा 10 मिनट में गैर मुसलमान को मुसलमान बनाना ये सब बकवास है हाँ अल्लाह चाह तो 1 सेकंड में किसको बना सकते हैं वो अल्लाह की मर्जी लेकिन आम तौर पे दावत देनी पड़ता है वक्त लगते हुए घंटों लगते दिन लगते साल लगते 10 मिनट में कुछ लोग कोर्स करते 10 मिनट में गैर मुस्लिम को मुस्लिम बनाना हाँ वो एक हो सकता है कि एक गैर मुस्लिम इस्लाम की बातों को सीखते आ रहा है फिर कुछ बात पे मुतासिर होता है और इस्लाम कबूल करता है हो सकता है क्या एक गैर मुस्लिम 1 मिनट में इस्लाम कबूल करे हो सकता है लेकिन ये एवरेज नहीं है तो जब 1-to-1 आप दावा करते सबसे बेस्ट रिजल्ट हाइपोथेटिकली मिसाल के तौर पे अगर एकदम माहिर दाई है दुनिया का बहुत माहिर दाई है सपोज वो एक गैर मुस्लिम के साथ 2 घंटे दावा करता है 1-to-1 दावा करता है 2 घंटे के और 10 लोग से दावा करता है 1-to-1 दो घंटा अगर वो बहुत बड़ा माहिर है और अगर वो 10 में से 1 को भी इस्लाम कबूल करा है एक इंसान इस्लाम कबूल करता है एक्सेलेंट अगर आप 10 गैर मुसलमान से बात करते जो इस्लाम के बारे में जानते नहीं और आप 2 घंटे में उसे इस्लाम कबूल कराते ये बहुत ही अच्छा है नामुमकिन है लेकिन बहुत डिफिकल्ट है तो अगर एक माहिर दाई 10 लोग के साथ 2-2 घंटे बात करता है और 1 आदमी को मुसलमान बनाता है सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह उसका रिजल्ट कितना 10% 10 में से 1 को मुसलमान बनाए 10% तो बेस्ट है 1-to-1 दावा नेक्स्ट बेस्ट क्या है आप दावा कर रहे ग्रुप में 25 लोग के 100 लोग के जब छोटी ग्रुप है आप करीब है तो रिजल्ट और अच्छा है छोटी ग्रुप में बैठे कमरे में टेबल में बैठे 10 लोग अगर ऑडिटोरियम में बैठे 1000 लोग वो 10 लोग जो कमरे में बैठ के आप डिस्कस करते वो बेहतर है बनिस्बत 1000 लोग के ऑडिटोरियम में या माशाल्लाह मजमा है 50,000 का लेकिन पहली रो इतना दूर है सिक्योरिटी इतनी दूर है कि मेरा 1-to-1 कॉन्टैक्ट ही नहीं है तो इम्पैक्ट कम हो रहा है अभी मेरे तकरीर भी इम्पैक्ट कम है इतना दूर इंसान तो मेरा उसूल है कि पहली रो नसीक होना चाहिए हम जब 10 लाख के मजमे में तकरीर किया था हिंदुस्तान में तो पहली रो थी वो जहाँ कैमरा लगे उधर पहली रो थी उसके बीच में
यहां तो तीन गुना ज्यादा, यहां 50,000 का मजमा, वहां मजमा था 10,00,000 का, 20 गुना ज्यादा मजमा, क्योंकि मुकर्रर को बात करने के लिए कोई तो ऑडियंस चाहिए, कोई तो रिस्पांस चाहिए। तो 1-to-1 बेस्ट टाइम में भी 10%, वो अगर 10 लोग के सामने बात करेगा, एक साथ में बात करेगा, 20 लोग है, 20 लोग के साथ बात कर रहा है, एक साथ में बात किया, हो सकता है कि 20 में से एक मान गए, परसेंटेज कितना है, और वो तकरीर करेगा 20-20 लोग के, 2-3 तकरीर करता है, तो जब 20 लोग के एक करता है 5% रिजल्ट। लेकिन वो जितने लोग सुन रहे, वो 2 घंटे की तकरीर कर रहा है, 10 तकरीर कर सकता है 2 घंटे में। तो अगर एक ग्रुप में एक करेगा तो 5×10 50 हो जाते हैं, अने 10 लोग ने इस्लाम कबूल किया। ग्रुप ग्रुप बड़ा है, जितना ग्रुप बढ़ते जाता है द इम्पैक्ट ऑफ दावा कम होता है, लेकिन रीच बढ़ती है। तो मैं अगर 10,000 के मजमे में तकरीर कर रहा हूं और 0.1% ने भी इस्लाम कबूल किया, 10,000 में 0.1 कितना होता है, 10,000 में तकरीर किया और 0.1% ने इस्लाम कबूल किया तो कितना होता है, 10 लोग। दस हजार में 10 लोग किए, लेकिन 2 घंटे की तकरीर में 10 लोग मुसलमान हो गए, परसेंटेज 0.01, इंपैक्ट 10 times में। वहां 20 घंटे में एक आदमी मुसलमान बनता है, इंपैक्ट इज 10%, रिजल्ट इज 1। इसमें मैं 10 लेक्चर देता हूं 1,000 लोग को, 10,000 लोग को 10 बार दे रहा हूं तो 100 लोग इस्लाम कबूल करते हैं। इंपैक्ट परसेंटेज इज 0.01%, बट क्वांटिटी कितनी हो गई, 100, क्योंकि रीच इज मल्टीपल टाइम्स मोर। तो जब आप बड़ा लेक्चर देते हैं तो 1-to-1 का इंपैक्ट जो आपके पास रहता है 10% हो जाता है 0.01%, लेकिन तादाद बढ़ती है तो नेट रिजल्ट उसमें ज्यादा फायदा है। तो एक तकरीर करना 10,000 के सामने बेहतर है 1-to-1 से, लेकिन अगर आपको पता है कि वो आदमी सरदार है, उस कबीले का सरदार है, तो मैं उसको पब्लिक में नहीं बुलाऊंगा, 1-to-1 बुलाऊंगा, क्योंकि एक सरदार अगर इस्लाम कबूल किया उसके पीछे सैकड़ों लोग, हजारों लोग कबूल करेंगे। तो आपको देखना चाहिए कब 1-to-1 दावा करना चाहिए, कब पब्लिक में करना चाहिए। तो 1-to-1 दावा बेस्ट है रिजल्ट्स में, ग्रुप में करेंगे इंपैक्ट कम होता है, क्वांटिटी बढ़ती है।